जो हमारे दलित राजा थे उनको ही जब नहीं सम्मान दिया जाता था उस समय, और आम जनता की तो बात ही क्या थी। बुद्ध बाबा साहब ने उसी समय मुझे लग रहा प्रण किया था कि हम ऐसे समाज की स्थापना करेंगे, ऐसे लोग पैदा कर देंगे कि वो लाखों लोग घर दान करेंगे, घर बना के देंगे। DJ समाद्यामि
ब्रह्मा संबुद्धो विद्या च संपन्नो श्रुतो लोक विदुः पुरुषदम्म सारथि सत्ता देवं मनुष्यानं बुद्धो भगवान् बुद्धं जीविति पर्यन्तं शरणं गच्छं ये च बुद्धायति मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। बाबा साहब की आज देन है कि हम सभी लोग जो इतने आगे बढ़ करके आ रहे हैं, हमारे लोगों के अपने निजी मीडिया हो गई, हमारे अपने निजी लोगों ने अपने अपने उद्योग बढ़ाए, ये सारा जो भी हो रहा है, आज नौकरी में हो हम या कहीं भी हो, चाहे हम किसी भी डिग्री को करने के लिए अगर कभी मन भी करते, चाहे हम कुछ भी होते, लेकिन हमारे साथ में क्या होता था ये थोड़ा आपको बताएंगे। जो हमारे दलित राजा थे उनको ही जब नहीं सम्मान दिया जाता था उस समय, और आम जनता की तो बात ही क्या थी, लेकिन बाबा साहब की बदौलत आज हम लोग जो है अपना संस्कार अपने आप कर रहे हैं और तथागत भगवान बुद्ध को जो है पूछते हैं, बाबा साहब से याद करते हैं कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को दिया है उनके बगैर हम लोग अधूरे रहते हैं। कहीं पर भी हमारा कोई संस्कार हो, अगर बाबा साहब नहीं है तो हमारा संस्कार अधूरा रहता है। नीरज गौतम और ये और भी इनके जो साथी हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत ये आज साधुवाद, जो कि इन लोगों ने इस कार्य को करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये बाबा साहब के पक्के अनुयायी हैं। क्यों? बाबा साहब का लक्ष्य था रोटी कपड़ा और मकान सबको उपलब्ध हो, शिक्षा के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम जानते हैं इनकी आयात को आज से नहीं, हम लोग बहुत पहले से हरदोई से जानते हैं, जिसमें इनका एक साथी आज नहीं है, वो कमी उसकी खल रही है, हम लोगों आज उसकी कमी हम लोगों खल रही है। लाल बिहारी वाजपेयी लाल बिहारी बौद्ध जो थे, लाल बिहारी जी और MP आजाद ने वो काम करके दिखाया हरदोई के अंदर कि इतना बड़ा सम्मेलन जो कि UP के अंदर अभी तक लोगों ने नहीं कर पाया है, एक मिशन चला करके, मिशन चला करके और पूरे क्षेत्र में बहुत लंबी यात्रा जो है कराई, हम लोग साथ थे और करके और इस मिशन को बाबा साहब को चलाया। आप भाई मोहम्मद राकिम भाई जी, आप बड़े भाई हैं उबैद अहमद जी जी, आप सुल्तान जी हैं, स्वागत कीजिए। बड़े भाई हैं मोहम्मद राकिम भाई, आप सुल्तान जी सुल्तान भाई जी बिल्कुल आप सही हैं। चलो ठीक, बधाई नीरज जी को, नीरज और नीरज जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने बड़ा ग्रास रूट से मेहनत करके और संघर्ष करके आज ये उपलब्धि हासिल की, जिसमें हम सभी भाइयों को बड़ा प्रेम और स्नेह भी शामिल है और हम लोग कामना करते हैं कि ये जितनी ऊंचाइयों तक जा पाए उतनी ऊंचाइयों तक जाए और नीरज जी दिन रात तरक्की करें। नीरज भाई हमें बस तरक्की करते रहें और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, छोटी मोटी दावत है। अरे नीरज अपने भाई हैं भाई, इनका ऑफिस खुला सबसे बड़ी खुशी तो हम लोगों को ही है, दिल से धन्यवाद। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे भाई, टाइम निकाल के शाम में पहुँचे तो हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आजा साहब, आज स्वाभिमान ग्रुप की स्थापना आपने की है, जबकि ये संकल्पना आपकी कई वर्षों पहले की थी,
आज पूरी हुई है, क्या इस मौके पर आपका वक्तव्य रहेगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समतावाद टीवी के सभी दर्शकों को और अमित भाई आवाज भारत सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत आप लोगों करता हूँ। पुनः आप लोग फिर दिल्ली से आज एक बड़ा काफी दिनों से एक विचार बना था स्वाभिमान ग्रुप बनाने का और आज वो पूर्ण हुआ आप सभी के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद अपरम पुज और बंधे जी भी आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ करता हूँ। और ये स्वाभिमान ग्रुप एक परिकल्पना एक सोच हमारी थी बहुत पहले की और जो हमारे फाउंडर भाई नीरज जी हैं, कमलेश जी हैं, विकास जी हैं, अरुण जी हैं, सब लोगों ने मिलकर के स्टार्ट किया है। मेरा मेन मकसद है जैसा कि बंदे जी ने अभी बताया है कि तमाम हमारे शोषित वंचित लोग हैं जिनको लखनऊ जैसे शहर में जो यूपी की राजधानी सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है आना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन रहने के लिए मकान नहीं है। तो हम लोगों ने ये विचार बनाया है कि छोटे छोटे प्लॉट पार्ट करके गरीब से गरीब तबके के लोगों को दूंगा और उनको जब नहीं इकट्ठा ले पाएंगे तो उनको हम किस्त पे देंगे, वो अपना धीरे धीरे 2 साल 3 साल 5 साल में अदा कर देंगे और वो अपने घर के मालिक बन जाएंगे, अचानक मालिक बन जाएंगे। साहब कैसा लगता है कि बाबा साहब को एक छोटे से कमरे से भगा दिया गया था जब पता चला कि इनकी जाति क्या है और वहां आप उस जाति के लोगों के लिए मकान मुहैया करा रहे हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन है ये अपने आप में? परम पूज्य बाबा साहब का देन है, बाबा साहब का आशीर्वाद है, उन्होंने इतने संघर्षों में अपने 4 बेटे गोबर के हम लोग यहाँ तक लाए हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब ने उस समय जब एक गेस्ट हाउस में रुके थे जैसा कि आपने बताया उनको जाति जब मालूम हो गए तो उनको भगा दिया था गेस्ट हाउस मालिक ने। तो परम पूज्य बाबा साहब ने उसी समय मुझे लग रहा प्रण किया था कि हम ऐसे समाज की स्थापना करेंगे, ऐसे लोग पैदा कर देंगे कि लाखों लोग घर दान करेंगे, उस घर बना के देंगे। क्या अपील आप करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो अपील तो हमारी एक यही है कि सब लोग बिजनेस में खास करके शोषित दलित वंचित जो परम पूज्य बाबा साहब ने सपना देखा था शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, तो रोजगार अब शिक्षा में हम लोग लगभग आ गए हैं, स्वास्थ्य में भी लगभग है लेकिन रोजगार में नहीं है। तो रोजगार में आइए क्योंकि ऐसी सामान्य व्यवस्थाएं सरकारें हैं जो है जो नौकरियां तो लगभग खत्म कर रहे हैं, सारा कुछ तो बेच दिया है, तो अपने पास सिर्फ की बजाय रोजगार रोजगार में सब लोग आइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए तभी हमारा आगे संकल्प पूरा होगा।